श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 11 एवं 12। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तोऽप्य कृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं। हरे कृष्ण।